शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज के माने होते हैं अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक कोई स्वराज कोई हुकूमत नहीं थी। महाराष्ट्र के बड़े से हिस्से को अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह ने अपने कब्जे में कर रखा था। ये दोनों बादशाह आपस में लड़ते। इनके दौर में रियाया बहुत परेशान थी, लोग खुशहाल नहीं थे, लोगों में हमेशा बेचैनी रहती, लोगों को खुलेआम अपनी बात रखना, जश्न मनाने की आज़ादी बिल्कुल नहीं थी। इनको अच्छा खाना और अच्छा महफूज घर मैसर नहीं था, हर जगह नाइंसाफी थी। इसके साथ साथ मुल्क में देशमुख और देशपांडे भी रहते थे, लेकिन उनका ख्याल भी रियाया की तरफ नहीं था। वो हमेशा अपनी वतनदारी और जागीरदारी के लिए आपस में लड़ाई करते। एक दूसरे के साथ लड़ाई करने की वजह से रियाया इनसे भी बहुत परेशान थी। हमेशा रियाया में बेइत्मीनानी और वो अपने आप को महफूज महसूस नहीं करते, जिसका ख्याल करते हुए शिवाजी महाराज ने स्वराज की बुनियाद डाली, अपनी हुकूमत रखी, अपनी हुकूमत बनाई, जिसके साथ उन्होंने ऐसे जालिम हुक्मरानों का डटकर मुकाबला किया और साथ ही साथ उनको शिकस्त देकर अगर वो उनके साथ मिल जाते हैं तो स्वराज को कायम करने के लिए उनसे मदद भी हासिल की, और जो उनके साथ मिलना नहीं चाहते उनको मुकाबला करके शिकस्त देकर उनको वहाँ से हटा दिया। स्वराज कायम करने के बाद शिवाजी महाराज ने किसी भी मजहब की किसी भी धर्म के साथ कोई नाइंसाफी और फ़र्क नहीं किया। वो हमेशा दूसरे धर्मों और दूसरे मजहबों की इज्जत करते, और साथ ही उन्होंने संतों और आलिमों की तालीम भी हासिल की। उनकी तालीम को हासिल करने में उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया और साथ में उसका फ़ायदा उन्होंने अवाम को भी पहुंचाया। वो हमेशा जोश और अपनी मशहूर महारत के साथ सबके दिलों में छाए रहेंगे।